कहते हैं कि जब मेरा पैसा मेरे लिए पैसा कमाएगा तब मैं आसानी से अमीर बन पाऊंगा प्रोवाइड करते हैं तो वहां से आने वाली इनकम भी अमीर बनने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करनी ये समझता भी आप आसानी से अमीर बन सकते हैं दिस वीडियो इज पावर्ड बाय मेटास पॉवर्ड बाइल इंडिया मैन्यूफेक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन बाथरूम वेनिटी वार्डरोब एंड स्टील इंटीरियर फ्रेंचाइजी शोरूम पैन इंडिया हाई फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर अमित माहेश्वरी बिजनेस ट्रेनर कॉर्पोरेट ट्रेनर मोटिवेशन स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंड्स हाउ टू बिकम रिच इस विषय पर हम बात करने वाले हैं हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करना चाहता है बहुत अधिक पैसा कमाना चाहता है अमीर बनना चाहता है लेकिन अमीर बनने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सके एंड अबेंडेंस ऑफ मनी हमारे पास हो भरपूर और बेहतरीन और बहुत अधिक इच्छाओं को पूरा करने वाला पैसा हमारे पास होना चाहिए आज इस विषय पर हम बात करने वाले हैं आइए इस बात को समझने से पहले ना हम अपने आप से कुछ प्रश्न कर लेते हैं कि भई अमीर का मतलब क्या है हर व्यक्ति के पास ना अमीर बनने की एक अलग डेफिनेशन है अमीर व्यक्ति होने के बारे में हम क्या सोचते हैं वट डू यू थिंक हाउ मच मनी यू नीड टू बिकम रिच या कितना पैसा आपके पास हो या कितना पैसा आप कमाएं कि आप आसानी से अमीर बन जाएं चलिए आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं आपके पास एक अच्छा घर हो अब अच्छे घर की जो डेफिनेशन है वो भी हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल अलग है हो सकता है आपका डेढ़ सौ से दो सौ गज का घर हो और आप अपने आप को समृद्ध समझें दो सौ से पाँच सौ गज का घर हो या एक एकड़ का फार्म हाउस हो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छा घर कैसा होता है भारत जैसे देश में अगर आप किसी भी कैपिटल में घर लेते हैं दिल्ली मान लीजिए आप दिल्ली में घर लेते हैं पीतमपुरा डिफेंस कॉलोनी साउथ दिल्ली कहीं भी लेते हैं तो तीन से पाँच करोड़ रुपए की आपको फ्लोर मिलेगी 200 से 300 गज की और फ्लोर में रहने वाला व्यक्ति डिपेंड करता है कि वो अपने आप को अमीर सोचता है या नहीं सोचता है तो अमीरी की परिभाषा सबके लिए बिल्कुल अलग है तो सबसे पहली चीज़ आपको एक अच्छा हाउस चाहिए एक अच्छी कार चाहिए अब अच्छी कार की डेफिनेशन भी हर व्यक्ति के लिए अलग है कुछ लोग जो मारुति एट या ऑल्टो जैसी गाड़ी चलाते हैं उनको लगता है होंडा सिटी जैसी गाड़ी मिल जाए या वरना गाड़ी मिल जाए या और इस तरह की कोई गाड़ी मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊँगा है ना परिभाषा सबके लिए अलग है लेकिन कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि बी एम डब्ल्यू ऑडी जैगवार मर्सिडीज़ इस तरह की गाड़ी हो तो मैं अपने आपको रिच समझूंगा तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको किस वैल्यू की कार चाहिए दस से पंद्रह लाख रुपये की 20 से 30 लाख रुपए की 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस लेवल की गाड़ी में बैठकर अपने आप को अमीर फील करते हैं इसके अलावा मॉडर्न लाइफस्टाइल आप मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं ब्रांडेड क्लोथ्स जर्नल सर्वेंट स्टाफ एट योर होम आपके घर में जर्नल सर्वेंट स्टाफ हो जैसे आपका गार्डनर हो गया सिक्योरिटी गार्ड हो गया इसके अलावा घर में हाउसमेट हो गई और अधिक और और एक्स्ट्रा सर्वेंट हो गए आपकी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर हो गया और जर्नल चीज़ें जो होती हैं पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ स्टाफ आपको ज़रूरत होती है वो स्टाफ आपके पास हो और एक अच्छा बैंक बैलेंस हो फिर वही बात अच्छे बैंक बैलेंस की परिभाषा भी सबके लिए अलग है किसी को लगता है अगर मेरे बैंक में दस लाख रुपये कैश होना तो मज़ा आ जाए मैं अपने आप को रिच फील करूँगा कोई एक करोड़ में करता है कोई पाँच करोड़ में और कोई दस करोड़ में तो अमाउंट जो है वो कभी भी ये डिफाइन नहीं कर पाता है कि आप अपने आप को अमीर समझते हैं या नहीं क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अमेरिका एक डिफरेंट अमाउंट है लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न होता है और वो हमेशा सोचते हैं अगर भाई साहब लाख रुपये महीना कमा लिए ना तो मैं रिच बन जाऊँगा तो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं अगर आप एक लाख रुपये पर मंथ भी कमाते हैं तो एक साल में आप बारह लाख रुपये कमाते हैं मतलब एक फ्लोर लेने के लिए अगर आपको दो करोड़ रुपए भी चाहिए तो भी आप कैलकुलेट कर लीजिए कि बारह लाख रुपए से कितना लंबा समय लगेगा केवल एक फ्लोर खरीदने में अभी मैं कोठी बंगलों की बात नहीं कर रहा फार्म हाउस की बात नहीं कर रहा दूसरा अगर आप सोचते हैं कि अगर दो लाख रुपये पर मंथ कमा लूँ चलो इनकम डबल हो जाए तो बारह महीने में कितने हो गए चौबीस लाख रुपये सिर्फ एक करोड़ करने के लिए भी आपको कम से कम चार साल का समय लगेगा इसका मतलब अगर आपको फ्लोर लेनी है तो आठ साल का समय लगेगा आप कैसे कह सकते हैं कि दो लाख रुपए महीना कमा के मैं अमीर बन सकता हूँ पाँच लाख की कैलकुलेशन भी कर ले तो एक साल में साठ लाख रुपए होता है मतलब अगले दो से तीन साल का समय आपको लगने वाला है केवल एक फ्लोर लेने के लिए अगर आप दस लाख रुपए महीना भी कमाएं तो दो साल का समय लगेगा केवल आपको एक फ्लोर लेने के लिए तो प्रश्न ये उठता है कि कितनी कमाई होने पर हम अमीर हो जाएंगे और हर व्यक्ति के लिए कमाई का जो लेवल है वो अलग है और अमीरी की परिभाषा बिल्कुल अलग है तो चलिए बात करते हैं इसी बारे में सबसे पहली बात ना आपकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो मल्टीपल होने चाहिए अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पैसा कमाता जाऊं उसको जोड़ता जाऊं इकट्ठा करता जाऊं तो मैं अमीर बन जाऊंगा तो ऐसा दस लाख रुपए महीने कमाकर भी संभव नहीं होगा डिपेंड करता है आपके मन में परिभाषा क्या है तो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स ऐसे अलग अलग सोर्स चाहिए जहाँ पर आपके साथ भी और आपके बिना भी काम करने पर आपके पास पैसा निरंतर आता रहे अब मल्टीपल सोर्स सोर्स ऑफ अर्निंग में क्या आता है सबसे पहला होता है एक्टिव इनकम वो पैसा जो हम एक्टिवली काम में पार्टिसिपेट करके कमाते हैं चाहे हम बिजनेस से करें या हम प्रोफेशन से करें एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो आपके काम करने पर ही आपको प्राप्त होगी अब एक्टिव इनकम का सोर्स क्या है आपका बिजनेस या आपकी जॉब या आपका प्रोफेशन ध्यान रखिए फ्रेंड्स जितने भी लोग एक्टिव इनकम से अमीर बनना चाहते हैं ना उनको अपने जीवन का बहुत बड़ा समय कुर्बान करना पड़ता है अमीर बनने के लिए तो तरीका क्या है पैसिव इनकम एंड पैसिव इनकम कहाँ से बिजनेस से भी और प्रोफेशन से भी आप कहेंगे सर बिजनेस और प्रोफेशन से तो एक्टिव इनकम आती है नहीं जो लोग अपने बिजनेस को मल्टीपल पीपल बेस्ड कंपनी बना लेते हैं जिनके पास लोगों की संख्या अधिक होती है वो लोग पैसिव इनकम कमाते हैं बिजनेसेस से और बहुत सारे लोग अपने बिजनेस के अलावा अलग अलग बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जहां पर कोई और व्यक्ति उस बिजनेस को चला रहा होता है और वहां से मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है वो उनकी पैसिव इनकम होती है फ्रॉम बिजनेस सेम एज प्रोफेशनल्स भी अगर खुद काम कर रहे हैं तो एक्टिव इनकम कमाएंगे और उनके जैसे लोगों की टीम उनके साथ काम कर रही है तो वो पैसेव इनकम कमाएंगे जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसके पास टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर बहुत सारी कंपनीज का ऑडिट करते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ से आने वाली इनकम भी पैसिव इनकम कहती है उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बिजनेस प्रोफेशन या जॉब के अलावा भी बहुत सारे रिसोर्स आपके पास होने चाहिए इनकम के तभी आप आसानी से अमीर बन सकते हैं और अमीरी की परिभाषा आपको पता है कि आपके हिसाब से क्या है तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए रेगुलर इनकम लाइक रेंट या लीज़ अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है वहाँ से आपको रेगुलर इनकम आती हो कहते ना कि जब मेरा पैसा मेरे लिए पैसा कमाएगा तब मैं आसानी से अमीर बन पाऊँगा तो आपके पास जो भी वैकेंट प्रॉपर्टी है जो भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उसको रेंट आउट करें और अगर वो एक तरह से व्यर्थ है ना तो उसको सेल करें और ध्यान रखिए जिस भी कीमत पर आप बेच रहे हैं वो पिछली कीमत की अपेक्षा अधिक होने वाली है तो वहाँ पर आप रेंट आउट कर सकते हैं लीज पर कर सकते हैं या कैपिटल गेन के लिए अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को पिछले मूल्य पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा आप बेचेंगे तो आपको मिलने वाला पैसा ज़्यादा होगा और उससे मिलने वाला जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल गेन होगा और कैपिटल गेन रिच लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है अर्निंग का वो अपनी प्रॉपर्टी से भी पैसा कमाते हैं और हर उस चीज़ से जहाँ पर वो निवेश करके पैसा बढ़ा सकते हैं चाहे वो दूसरे लोगों के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट कहते हैं ना बन फ्रेंड्स अगर बिजनेस में आप काम कर रहे हैं दस परसेंट पंद्रह परसेंट बीस परसेंट तीस परसेंट चालीस परसेंट का आपको प्रॉफिट होता है लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में राइट right इन्वेस्टिंग करते हैं तो राइट right इन्वेस्टिंग से आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कहते ना पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहती है कि जब लंबे समय तक निरंतर निवेश करते हैं तो वो छोटा छोटा निवेश एक दिन बहुत बड़ी पूंजी बनकर आपके सामने आ जाता है इसके साथ अगर आप कुछ एक्टिविटी और करते हैं जैसे एफिलेट मार्केटिंग एफिलेट मार्केटिंग का मतलब है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है वहाँ पर आप ऐसी एक्टिविटी करें जहाँ पर दूसरे बिजनेसेस से आपको रेफरेंस से रिलेटेड इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए जैसे आप अमेजोन जैसी कंपनी के साथ जुड़कर एफिलेट मार्केटिंग कर सकते हैं रेफरल इनकम फ्रेंड्स जितने भी रिच लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं किसी भी बिजनेस को किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी सर्विस को किसी भी इंडस्ट्री को जब रेफर करते हैं ना तो वहाँ से मिलने वाली भी एक रेफरल इनकम होती है और बहुत सारे लोग तो लाइजनिंग का बिज़नेस करते हैं अब लाइजनिंग का बिजनेस क्या है ये एक डिफरेंट वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स ध्यान रखिए बिजनेस से रिलेटेड इनकम से रिलेटेड आपकी ग्रोथ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं रेगुलर अपने बिज़नेस टाइम से निकाल कर आप लोगों के लिए बनाता हूं आप इन वीडियोस को देखते हैं ये अच्छी बात है लेकिन यदि आप उस पर अमल नहीं करते ना तो कहीं ना कहीं उससे आपको लाभ ना के बराबर होगा इसलिए ज़रूरत है उस पर अमल करने की और अपने बिजनेस में उन फार्मूलाज़ को इम्प्लीमेंट करने की इसके अलावा कमीशन इनकम जैसे आपके लिंक एंड रेफरेंस से कोई प्रॉपर्टी सेल हो गई उसका कमीशन या किसी भी तरह की कोई बड़ी ट्रांजेक्शन हो गई उसका कमीशन आपको ज़रूरत है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की क्योंकि लाख रुपए दो लाख पाँच लाख दस लाख कमा कर भी अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन से इनकम कमा रहे हैं तो हो सकता है आप अमीर बन जाएँ पर उस अमीर बनने की जो प्रक्रिया है ना वो बहुत लंबी है आपका अच्छा मकान अच्छी गाड़ी अच्छा लाइफ अच्छी क्लोदिंग और बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं उसको लंबे समय में आप हासिल कर पाएंगे अगर शॉर्ट टाइम में आपको हासिल करना है तो क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग जब मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होगी तो आप बहुत अधिक पैसा कमा पाएंगे और उसको दोबारा निवेश करके पैसे से पैसा बना सकते हैं फ्रेंड्स पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है कि कैसे आप इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी दे दूंगा आप उनको जरूर देखें और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस बात पर फोकस करें कि आप कैसे अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं जितनी ज़्यादा काबिलियत आपके अंदर होगी उतना ज़्यादा अधिक पैसा कमाने में आप सक्षम होंगे फ्रेंड्स इसके अलावा एक स्पेशल बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए क्यू एन ए सीरीज़ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वो सही समय है आपको अपने प्रश्न को पूछने का मैं सभी वैल्यूएबल सब्सक्राइबर और व्यूअर्स का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि वो इस वीडियो को देख रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लें साथ में आपके मन में जो भी प्रश्न है ना उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में उन सवालों के जवाब मैं आपको आसानी से दे सकूं तो फ्रेंड्स इन वीडियोस को ना केवल देखें बल्कि समझे समझने के बाद अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें और जो भी प्रश्न आपके मन में है वो मुझे जरूर भेजें स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत